मोदिया को ये बताइए कि आखिर में क्या है वो, मेरा फोटो खींचिए। बदलाव होगा इस बार क्या? उसको तो जाना है, अपनी माँ का ऐसा जा करके फोटो खींचता है वो, है मोदी अपने माँ का फोटो खींचता है। सही बात है, लिखिए हमारे ऐसे खिलाफ लिखिए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं मोदी को नहीं नहीं गाली नहीं मत दीजिए, मैं एकदम दूंगा हमारे हमारे खिलाफ वो हो जाए। ठीक ठीक, चलिए आइए। सुबह 6 बजे से हम लोग सैयद राजा के लिए निकले थे और भूख लगी थी तो हम लोगों ने थोड़ा पेट पूजा कर लिया। अब यहाँ के दुकानदार से हम लोग बात करते हैं, भाई क्या है माहौल, किसके यहाँ का माहौल? यही दो लोग का लड़ाई है, सपा और भाजपा का, लेकिन हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे, लेकिन हम लोग सुशील सिंह को देखकर नहीं, मोदी को ही सिर्फ देखकर वोट देंगे। सुशील सिंह से कोई नाराजगी है क्या? हाँ बहुत नाराजगी है। क्या नाराजगी है सुशील से? वो मौके पर ही आते हैं, जब मुसीबत यहाँ पर आते हैं ना, वो साथ नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग भाजपा ही है जरूर, लेकिन हम लोग मोदी को ही देखकर वोट दे रहे हैं। देखिए यहाँ अभी मेरी बातचीत हो रही थी, ये दुकानदार हैं जो टोटल भाजपाई हैं और ये यादव जी हैं सपा के हैं, ये भाजपा के होने के नाते भले ही योगी सरकार को मतदान करेंगे लेकिन वर्तमान विधायक सुशील सिंह से काफी नाराज हैं। आप भाई आप तो समाजवादी पार्टी के हैं, आपको सुशील सिंह से क्या नाराजगी है? देखिए हम वो नहीं करें नाराजगी, जैसे कि सुशील सिंह विधायक हैं, जैसे डब्लू हैं, डब्लू को आप कहीं भी बुला देंगे तुरंत चले आएंगे, आप प्लस डब्लू को कोई व्यक्ति अगर जहाँ चाहे रोड पर तहाँ खड़ा करा कर बात कर सकता है, लेकिन सुशील को नहीं बात कर सकता। क्या है पूरा समीकरण यहाँ का? समीकरण देखिए सैयद राजा का हमको अनुभव है कि 15,000-14,000 वोट पड़ेगा, जिसमें से 12,000 वोट सपा को जाएगा। आपको क्या शिकायत विधायक जी से भैया? एक बार हम लोग सुशील सिंह से मिलने गए थे, उनके जो स्टाफ आदमी थे वो हम लोग को ऐसे धक्का मार के हटा दिए, हम लोग सोचे कि सुशील जी से मिलने चले, कुछ हम लोग बात भी कर ले, लेकिन उसके स्टाफ लोग हमको मिलने नहीं दिए, तो ऐसे धकिया दिए, सोचे कि इनके ऊपर, हम लोग जब जानते हैं कि हम लोग पक्का भाजपा ही। अपना नाम बताइए, हम आपकी बात विधायक जी से जरूर करेंगे कि अगर आप भाजपा ही, फिर ऐसा माहौल क्यों है? पिंटू केसरी मेरा नाम है, सही राजा के रहने वाले हैं। विधायक जी अगर हमारी आवाज़ आप सुन रहे हैं, उनके भाई जी से शिकायत, उनके भाई साहब आए थे एक बार, हमने उसको शिकायत किए थे कि भैया आप इसको वोट देना, हम साहब बोले कि हम लोग देखिए हाथी को क्या बात दिक्कत है, हम कहें कि बहुत दिक्कत है।